أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम एग्जांपल देखेंगे रियल एनालिसिस की। लिमिट के लिहाज से है कि लिमिट 1 ओवर n इज इक्वल टू 0 कि हमारे पास 1 ओवर n सीक्वेंस है 0 को कन्वर्ज करे। ठीक है, अब लिमिट की हम डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस एक्स एन इन आर, आर में से हमने सीक्वेंस एक्स एन ले लिया है, इज सेड टू बी कन्वर्ज। एक्स को वो भी रियल नंबर से के सेट से लिया हुआ, एक्स को वो तब कन्वर्ज करेगा। आर हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक्स इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एक्स एन। एक्स एन कब एक्स को एक्स लिमिट को कन्वर्ज करेगा, या फिर एक्स जो है वो एक्स एन की कब लिमिट कहलाएगी? इफ़ अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन है ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, एक इस तरह का नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे। अब एन एप्सिलॉन इसका क्या मीनिंग है कि हर एप्सिलॉन के लिए वैल्यू क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, कि नेचुरल नंबर जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, सच दैट जो ज़ीरो से ग्रेटर है। ठीक है ना, सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन है इक्वल टू एन से द टर्म एक्स एन सेटिस्फाई, एक्स एन एक्स को अप्रोच करे लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है ना, एक्स एन जो है वो एक्स को तब अप्रोच करेगा जब एन हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तब उसकी। अब यहाँ तक हम डेफिनेशन इसकी देख ली हम लोगों ने कि एक्स एन की लिमिट जो है वो एक्स है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन हमें पता है इसमें, वन ओवर एन सीक्वेंस की लिमिट जो है वो ज़ीरो है। देखिए यहाँ पर हमें एक्स लिमिट बताई हुई थी ना, सीक्वेंस एन की लिमिट बताई हुई थी, तो हमने फिर ये डेफिनेशन अप्लाई की। जहाँ लिमिट बताई हो तो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए, तो सोल्व करते हैं हम इस एग्जांपल को। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन है ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर इज नॉट सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन हम एन से अब हमने ये डेफिनेशन लिख ली है लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। अब हम ये अप्लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करते हैं कि हमारे पास यहाँ सीक्वेंस क्या है, वन ओवर एन और लिमिट क्या है हमारे पास है ज़ीरो। एक्स यहाँ लिमिट खिला रही है ज़ीरो। ठीक है, इसको हम लिखते हैं वन ओवर, देख सकते हैं वन ओवर एन इज इक्वल टू वन ओवर एन। अब देखिए हम एक छोटी सी चीज़ ऐड करते हैं यहाँ पर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या थी कि हमें एक नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर से ग्रेटर मिल जाता है। नेचुरल नंबर रियल नंबर से ग्रेटर मिलता है। ठीक है, अब हमने इसको क्या, वन ओवर एन को हमने क्या प्रूव करना है कि लेस देन हो ये एप्सिलॉन से, तो हमारे पास ज़ीरो वन ओवर एन सीक्वेंस की लिमिट होगी, वन ओवर एन सीक्वेंस जो है वो ज़ीरो को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हमने इसे लेस देन है एप्सिलॉन हमने प्रूव करना है। अब देखिए वन ओवर एन लेस देन है एप्सिलॉन जो हमने प्रूव करना है, साइड लिख लेते हैं वन ओवर एन लेस देन है एप्सिलॉन। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें वन ओवर एप्सिलॉन लेस देन है एन से, तो एन की जगह हम यहाँ
कर सकते हैं वन ओवर एप्सिलॉन एन से, ठीक है। अब ये वाली हमारे पास जो कंडीशन है एन एन ग्रेटर देन है एन से, अगर हम इसे वन ओवर एन देन है वन ओवर एन से, ठीक है। वन ओवर एन इस तरह से ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, हमने इस कंडीशन फॉर ऑल से इस कंडीशन से लिया, ठीक है। अब वन ओवर एन इसको अगर हम चेंज कर लें, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्रॉपर्टी, ठीक है। इस कंडीशन के मुताबिक अगर हम वन ओवर एप्सिलॉन लेस देन एन से, तो वन ओवर एन एप्सिलॉन से इस तरह हो जाएगा, ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रूव हो गया कि वन ओवर एन लेस देन है एप्सिलॉन, ठीक है। अभी समझ, तो हमने इसको क्या कर दिया, कंडीशन को प्रूव कर दिया कि वन ओवर एन जो है ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है।